स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऑयल के बारे में, और जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और मैं इसके बारे में बताऊँगी कि ये हमारे लिए किस किस तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और मैं आपको बताने वाली हूँ नीम के ऑयल के बारे में। नीम के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि नीम हमारे लिए एक वरदान है और इसके बहुत ज़्यादा जैसे कि हमें बेनिफिट हैं। अगर हम इसकी दांतुन करते हैं तो हमें जो भी दांतों की प्रॉब्लम होती है या है उसको, उससे हमारे जैसे दांतों को छुटकारा दिलाता है और हमारे मुंह से बदबू आती है, तो इन चीज़ों के लिए हम उसकी दांतुन का है जो कि यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि उसकी पत्तियों से हम अपना तेल बनाएंगे, और वह जो तेल होता है और हमारे स्किन के लिए है उसको हम अपने बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली क्या है कि आज के टाइम में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हर एक को है, तो हम जैसे जौन सा मैं ऑयल बताऊंगी, आप इस ऑयल को अपने हेयर के अंदर भी लगा सकते हैं। और आज मैं आपको ये ऑयल बताऊंगी जिसको हम अपनी पूरी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हेयर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जैसे कि आपको पता ही है कि नीम एक कड़वा प्लांट है, तो यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारी बॉडी के लिए अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरिया और एंटी फंगल के बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे गुण होते हैं, और जिससे कि हमारे जो बालों के अंदर होने वाली समस्या, कोई भी समस्या होती है उससे हमें छुटकारा दिलाता है। क्या है कि काफ़ी को क्या होता है कि जैसे कि जुएं वगैरह होती है तो उसको भी यह रिमूव करने में हेल्पफुल साबित होता है, और जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उनको तो यह अप्लाई करना ही चाहिए। जैसे मैं इसके अंदर बताऊंगी कि हम एक कोकोनट ऑयल लेंगे और उसके अंदर हम नीम की पत्तियों को बॉयल करेंगे। ज़्यादा देर इसको बॉयल मत करना और बिल्कुल धीमी आँच पे पकाना है। 2-3 मिनट पकाइए और उसके बाद यह हमारा ऑयल है जो कि बनकर तैयार हो जाए। और इसको हम अपनी स्किन, मतलब हम अपनी सारी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें जैसे कि कोई कट वगैरह लग जाता है कि चोट लग जाती है तो हम उसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यह एंटी बैक्टीरियल इसके अंदर प्रॉपर्टी है, और यह हमारी जो भी स्किन से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आजकल प्रदूषण वगैरह बढ़ रहा है या फिर कोई और भी रीज़न हो सकते हैं कि स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम यह एक नेचुरल सा ऑयल है जो कि हम बनाते हैं, इसको अपने पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और स्किन से होने वाली जो भी प्रॉब्लम है आपको उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप भी अपने शरीर पर होने वाली खुजली से परेशान हैं तो आप इसको अप्लाई कीजिए, और क्योंकि यह स्किन से कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे हमें छुटकारा दिलाता है, तो हम अपने जैसे कि खुजली वाले एरिया पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक ही दिन में अप्लाई करने से तो कोई भी कह नहीं सकते कि रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन आप इसे प्रॉपर डेली यूज़ कीजिए और फिर देखिए कि आपको कैसे आराम मिलता है और इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, हम कह सकते हैं एक नेचुरल रेमेडी है, और इसके लिए हम इसके अंदर कोई केमिकल या कुछ भी नहीं डाल रहे। और नीम के बारे में तो आपको पता ही है, हमारे बुज़ुर्ग हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें हम नीम के कितने सारे फ़ायदे हैं, तो हमें इसको अप्लाई करना, मतलब अपनी लाइफ के अंदर इसको यूज़ करना चाहिए। और चलिए फिर अब मैं आपको तेल को प्रिपेयर करने की रेसिपी बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ, तो आपको भी वैसे वैसे ही करना होगा। चलिए अब हम ऑयल प्रिपेयर करने वाले हैं, और मैंने देखो ये ले लिया है ऑयल, और ये ले ली है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियों को मैंने वॉश कर लिया पहले, और अब इनको थोड़ा सा सुखा लिया, और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी, पत्तियाँ इसमें रह जाएंगी। तो गाइज़ मैंने अपनी पत्तियाँ अलग कर ली हैं, और अब मैं ये नारियल का ऑयल है इसमें डालूँगी। तो गाइज़ इसमें मैंने डाल लिया है, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये नीम की पत्तियाँ, और मैंने इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर पकाना है, बिल्कुल स्लो होनी चाहिए हमारी आंच, और हल्का हल्का इसे हिलाते रहेंगे। अब इसको हम 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी है लीव्स की वो सभी के सभी ऑयल्स के अंदर हैं, जो कि अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगी, और इसका जो कलर है ऑयल का वो भी चेंज हो जाएगा। मैं जब इसको ये प्रॉपर बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर है जो वो कैसा हो गया है,
और अभी इसको धीरे धीरे आँच पे पकाते रहेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, क्या होगा कि पत्तियाँ वरना इसके अंदर जल जाएंगी, तो धीरे ही थोड़ी ही 4 या 5 मिनट पकाना है और उसके बाद रख दे, क्योंकि उसके बाद रखने के बाद ऑयल गर्म है और जो भी थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो गर्म ऑयल अपने आप ही उसमें से प्रॉपर्टीज़ है जो वो ले लेगा और हमारा जो ऑयल है वो बनकर तैयार हो जाएगा। फाइनली मेरा ऑयल है जो वो बनकर तैयार हो चुका है। जैसे आप देख सकते होंगे इसका कलर है जो वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और जो भी लीव्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सभी के सभी ऑयल के अंदर आ चुके हैं। और इसके बाद हम इसे अपने सारी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने हेयर के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और स्किन पर होने वाली कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं और ये नेचुरल है और बहुत अच्छा है। मैं भी इसको यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।